बहुत बहुत स्वागत है टी न्यूज में। मैं हूं काजल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज बांदा, नलकूप खंड में 42 लाख की डकैती। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में नवाब टैंक के पास स्थित राजकीय नलकूप खंड के केंद्रीय भंडार वर्कशॉप में दो चौकीदारों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों रुपए की सरकारी उपकरण और सामग्री उठा लिए। विभागीय दो ओवर अभियंताओं ने सामूहिक हस्ताक्षरों से पुलिस को इसकी तहरीर दी है। हालांकि दूसरे दिन भी वह चोरी किए गए सामानों की सूची और ब्यौरा पुलिस को नहीं दे सके। विभागीय लोग लगभग 42 लाख रुपए के माल की चोरी बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस को बयान के विरोधाभासी मिलने पर घटना संदिग्ध लग रही है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि बांदा शहर के नारायणी रोड में नवाब टैंक पार्क के पास नेशनल हाईवे किनारे नलकूप खंड का केंद्रीय भंडार व वर्कशॉप है। यहाँ चारों ओर बाउंड्री से घिरा और लोहे के टीनों से कवर्ड है। 18 जनवरी को आधी रात के बाद तड़के करीब 1 व 2 के बीच बदमाशों ने बाउंड्री फांदकर चौकीदार दीपक व श्रीपाल के हाथ पैर बांध दिए, आंखों में पट्टी बांध दी और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। स्टोर और वर्कशॉप के ताले तोड़कर पीवीसी कॉपर वायर, बुश इंपेलर, कास्टिंग आदि भारी मात्रा में उठा ले गए। अवर अभियंताओं ने तहरीर में कहा कि चोरी किए गए सामानों का ब्यौरा स्टॉक रजिस्टर में मिलने के बाद दिया जाएगा। शनिवार को घटना के दूसरे दिन भी विभागीय कर्मी पुलिस को चोरी किए गए सामानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सके और ना ही अभिलेख दिए हैं। कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार सिंह इस घटना की जांच कर रहे हैं। SSI चंद्रपाल सिंह ने दो अवर अभियंताओं और दोनों चौकीदारों को तथा स्टोर कीपर ब्रजमोहन तिवारी आदि से पूछताछ की है। इन सभी के पुलिस को दिए गए बयान में विरोधाभास रहा। पहले दिन 15 से 20 लाख के माल की चोरी बताने वाले अवर अभियंताओं ने दूसरे दिन लगभग 42 लाख रुपए के सामान की अनुमानित चोरी बताई। यह भी जोड़ा कि चौकीदार की साइकिल और 2000 रुपए भी ले गए। हालांकि तहरीर में यह बात दर्ज नहीं थी। चौकीदार चोरों की संख्या भी स्पष्ट नहीं कर पाए। स्टोर इंचार्ज ने पुलिस को चोरी किए गए माल का वजन लगभग 7 से 8 टन बताया। इस डकैती के बारे में बांदा CO सिटी राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि डकैती के मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, फिर भी अवर अभियंताओं की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 380, 457, 342 IPC की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। क्या है पूरा मामला? ये कोतवाली नगर बांदा के तहत ये कल रात की घटना बताई गई थी, जिसपे तहरीर जो प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मौका मुआयना किया गया है, उसके लिए टीम अलग से लगाई गई है इसके अनावरण के लिए। शीघ्र ही इसका अनावरण करके बताया जाएगा। सर, क्या कुछ बताया गया कि कितने की लूट है, क्या है? ये उन्होंने प्रथम जो लिख के दिया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए जो तहरीर दी जाती है, उसमें उन्होंने एक जनरल तरीके से लिखा है कि किस किस तरह का सामान गया है। उनके द्वारा सूची अभी नहीं दी गई है, बताया गया है कि तैयार की जा रही है। वो देख बंधक भी बनाया गया था कुछ लोगों, क्या कुछ बताया? इस तरह की बात प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है। पूरे सभी पहलुओं पर जांच चल रही है और बहुत ही जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा आपके समक्ष। थैंक यू। कृष्ण वर्मा, कौन सा ऑफिस है ये? नलकूप खंड का केंद्रीय कार्यालय। क्या वारदात हुई है? कल सुबह जो है अवर अभियंता महोदय ने हमको फ़ोन किया करीबन 7 बजे के लगभग कि कहाँ हो। मैंने कहा घर, कह रही यार आओ जरा, यहाँ कार्यशाला में चोरी हो गई है, डकैती हो गई है। तो चाहिए तो आए यहाँ पे, देखा चौकीदारों से पूछा गया, अधिकारी लोग भी थे हमारे, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे क्या घटना हुई। तो उन्होंने बताया साहब हम लोग यहाँ ताप रहे थे, दो लोग इधर मेन गेट से आए हैं कूद करके और बस हमारे तमंचा वंचा लगा दिया, रस्सी बांध दिया और ताला वाला तोड़ करके, यहाँ का भी ताला, वर्कशॉप का भी तोड़ा, यहाँ भी जो बैलेंस तार वगैरह था और कुछ स्पेयर पार्ट्स भी पीतल के थे वो भी ले गए। सर, सामान गया है तकरीबन कितने की डकैती हो गई? अब सर ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ करीबन तार होगा 3 किलोमीटर के लगभग, विभिन्न साइजों का, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और कुछ थोड़ा बहुत 2.4, 2.5 इस तरीके से तार था और स्पेयर पार्ट्स थे। लगभग कितनी कीमत पे होंगे? अब ये सर गवर्नमेंट की कीमत क्या होती है हम नहीं बता पाए। आप लोग इसमें विभाग में हैं? हाँ करीबन लाख खाड़ का सामान तो हो गई होगा करीबन सर।
सरकारी। अच्छा वर्मा जी बताइए, इतना सामान काफी वजनी होगा ये? जी 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 तो नहीं, वो टुकड़ों में रहता है, जैसे कोई बंडल 1.5 किलो तार रखा, 2 किलो, 5 किलो और 15 किलो। तो क्या लगता है कि ये ले जाने के लिए और लोग रहे होंगे बाहर? नहीं, जब बर्न वायर लादा है, हम लोग स्टोर में तुलवा के रखते हैं, तो बाहर से लेबर लाते हैं 4-5, और यहाँ की लेबर लगी रहती है, तब पूरा दिन लग जाता है तुलवाने में, और तुल के वहाँ रखा जाता है, तो निश्चित संख्या में रहे होंगे, तभी गाड़ी में लोड किया है। कई बजे रात की घटना बताई? अब ये लोग 1 बजे बता रहे हैं और 3:30-4 बजे बता रहे हैं गए हो लोग। सीसीटीवी कैमरे की मशीनें बोले जा चुके हैं। अच्छा, उसके पूरी मशीन उठा ले? हाँ, मशीन नहीं, मशीन वो आप टीवी बची है, बाकी उसके तार वार तोड़ के वो ले गए हैं। ये सारे तार टूटे हुए पड़े हैं। कितने लगे कैमरे लगे हैं यहाँ? चार कैमरे लगे हैं मशीन के अंदर के, वायर तोड़ के ले कोई पूरा ग्रुप।